हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथोपीडिया। और आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देख ली होगी। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, डेट इज़ बीटा फंक्शन, बीटा एंड गामा फंक्शंस। और उसके अंदर हमने अपना सबसे पहला टॉपिक जो किया था वो बीटा फंक्शन की इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड कुछ ईजी ईजी एग्जाम्पल्स। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर हम अनदर फॉर्म पढ़ने वाले हैं बीटा फंक्शन की, सबसे पहले उसी पर बेस्ड एक एग्जाम्पल। और मेरी यही उम्मीद रहेगी कि इसके बाद आप सभी एग्जांपल्स एक बार खुद ट्राई करके देखें जो भी रिमेनिंग है, और अगर आप एक्सरसाइज भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर इस वीडियो को देखने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इन केस आपको किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में या एग्जाम्पल्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपका वहाँ डाउट सॉल्व नहीं हुआ, पूरे क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो डाउट वीडियो बना दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा मेरी ही चैनल पर लीनियर एलजेब्रा का चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, फोर्थ अभी कंप्लीट अपलोड नहीं हुआ, बट बाकी ये फर्स्ट सेकंड अपलोडेड है, फिफ्थ सिक्स भी अपलोडेड है, तो उनकी वीडियोस आप जाकर देख सकते हो। किस तरीके से देखनी है लीनियर एलजेब्रा, डायनमिक्स, रियल एंड कॉम्प्लेक्स, कौन सा चैप्टर हमें पहले करना चाहिए, कौन सा चैप्टर हमें बाद में करना चाहिए, इस सब से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इनके लिए स्ट्रेटजी वीडियोस भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप वो भी जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीटा फंक्शन के अनदर फॉर्म। सबसे पहले तो देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या शो करके दिखाना है, वो हम किस तरीके से शो करके दिखाएंगे। ठीक है, आर्टिकल की स्टेटमेंट देखो, बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to ∞ एक्स रेज टू द पावर एम माइनस वन अपॉन 1 + एक्स रेज टू द पावर एम प्लस एन डी एक्स इज इक्वल टू 0 to ∞ एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन अपॉन 1 + एक्स रेज टू द पावर एम प्लस एन। ठीक है, फ़र्क क्या है, यहाँ पर तो एन माइनस वन है और यहाँ पर एम माइनस वन है, अपोन में दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कह रहा है, मैं प्रूफ करके दिखाना है कि बीटा ऑफ एम एन की वैल्यू दोनों में, मतलब अगर उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करें या उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करें, दोनों की वैल्यू बीटा ऑफ एम एन के इक्वल ही आएगी। क्लियरली अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक इस चीज़ की बताऊँ तो देखो, बीटा ऑफ एम एन को आप अगर इस तरीके से लिख सकते हैं, इन केस आप अगर इतना ही प्रूफ कर दें, ठीक है, तो आपको पता है बीटा ऑफ एम एन क्या होता है, बीटा ऑफ एन एम के इक्वल। ठीक है, और बीटा ऑफ एन एम की वैल्यू एज इट इज़ इसी फॉर्मूले से ये आ जाएगी, क्योंकि अब एन आ गया आगे और एम आ गया पीछे। ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा कुछ सॉल्व, बट अभी हमने जो बीटा ऑफ एम एन का फॉर्मूला पढ़ रखा है उसके अंदर हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to 1 आता है एक्स रेज टू द पावर एम माइनस वन, 1 - एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र किस तरीके से रहेगा, कैसे हमें उससे ये चीज़ प्रूव करनी है, इंटीग्रेशन 0 to ∞ एक्स रेज टू द पावर एम माइनस वन अपॉन 1 + एक्स रेज टू द पावर एम प्लस एन, ये देखेंगे। चलिए बताती हूँ मैं आपको, फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन 0 वी हैव, हमारे पास क्या है, बीटा ऑफ एम एन की वैल्यू ये है, डेट इज 0 to 1 इंटीग्रेशन एक्स रेज टू द पावर एम माइनस वन, 1 - एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, ये चीज़ हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर देखी थी, ये बीटा ऑफ एम एन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसी के अंदर हमने सब्सटीट्यूट किया, क्या सब्सटीट्यूट किया, एक्स की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट किया टी अपॉन 1 + t, यहाँ से जब हम डी एक्स निकालेंगे तो इसमें u बाई वी रूल लगाएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखो x इंटू 1 + t इज इक्वल टू टी। ठीक है, अब जब इसको हमने सॉल्व किया x प्लस एक्स टी इज इक्वल टू टी आ गया, यहाँ से हमें निकालनी किसके x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t, वो हमने निकाल ली किस तरीके से, सबसे पहले क्या किया, t वाली टर्म्स को x सॉरी t की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ x, तो हमने t वाली टर्म्स को x साइड कर दिया और x इस तरफ। ठीक है, अब इनमें से जब हमारे पास t कॉमन आएगा तो यहाँ पर 1 - x बच जाएगा इज इक्वल टू एक्स, और t की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, x अपॉन 1 - x, यही है ये वैल्यू। ठीक है, चलो अब हम क्या निकालेंगे इसके बाद, लिमिट्स। लिमिट्स अभी हमारे पास x की हैं, अब हम निकालेंगे t की। ठीक है, देखो जब हमारे पास x की वैल्यू 0 आ जाएगी और जब हम
एक्स की वैल्यू ज़ीरो है और एक्स की वैल्यू वन है। देखो अभी एक्स के टर्म्स में था तो लिमिट्स क्या थी, ज़ीरो टू वन। अब हम वही चीज़ सब्सिट्यूट कर रहे हैं कि एक्स की जब वैल्यू ज़ीरो है तो टी की वैल्यू क्या आएगी। पुट करो एक्स की वैल्यू ज़ीरो, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो अपॉन वन माइनस ज़ीरो, डैट इज़ ज़ीरो अपॉन वन इज इक्वल टू ज़ीरो। और ऐसे ही जब हम एक्स की वैल्यू वन करेंगे पुट, तो हमारे पास टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन अपॉन वन माइनस वन, डैट इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो x की वैल्यू जब ज़ीरो पुट की तो वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। और x की वैल्यू वन पुट की तो t की वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी। तो t के केस में हमारे पास लिमिट्स क्या बन गई, ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए पुट करते हैं बीटा ऑफ एम एन की वैल्यू के अंदर। यहाँ पर पुट करेंगे हम, x की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, देखो x की वैल्यू आपके पास क्या है, t अपॉन वन प्लस टी, वन माइनस एक्स की वैल्यू यहीं से निकाल लोगे आप। ठीक है, और डी एक्स की वैल्यू भी है और इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। बहुत ध्यान से देखना अब आप, यही जो मैंने आपको बताया वही मैंने वैल्यूज यहाँ पर सब्सिट्यूट किए हैं। देखो डी एक्स की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ रही थी, यहाँ से अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो मेरे पास डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, वन अपॉन वन प्लस टी डी टी, डी टी भी तो आएगा ना यहाँ पर। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर सब्सिट्यूट किया। ठीक है, अब इसके बाद देखो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर वैल्यूज पुट करने के बाद जब आप सॉल्व करके देखेंगे तो ये बच जाएगा, डेट इज़ ज़ीरो टू इन्फिनिटी टी रेज टू द पावर एम माइनस एन अपॉन वन प्लस टी रेज टू द पावर एम प्लस एन डी टी इज डी टी। ठीक है, अब इसी तरीके से अब यहाँ आपने बीटा ऑफ एम एन की वैल्यू निकाली तो आपके पास ये आ गया। अगर आप हर जगह एम को एन से रिप्लेस करें और एन को एम से रिप्लेस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा ऑफ एन एम। और इसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, ज़ीरो टू इन्फिनिटी टी रेज टू द पावर एन माइनस वन, वन प्लस टी रेज टू द पावर एन प्लस एम डी टी। जस्ट हमने क्या किया, जहाँ पर एन था वहाँ पर एम और जहाँ पर एम था वहाँ पर एन। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी कि हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से बीटा ऑफ एम एन की वैल्यू बीटा ऑफ एन एम के इक्वल आती है, तो हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या आ गई, सेम। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टी रेज टू द पावर एम माइनस वन, वन प्लस टी रेज टू द पावर एम प्लस एन डी टी, ज़ीरो टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू टी रेज टू द पावर एन माइनस वन, वन प्लस टी रेज टू द पावर एम प्लस एन डी टी। ठीक है, इसी चीज़ को आप वेरिएबल चेंज करके हर जगह अगर टी को एक्स पुट कर दें तब भी ये चीज़ ट्रू रहेगी। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल तो हम चेंज कर सकते हैं ना अपनी चॉइस से, अगर आप पूरे के अंदर ही टी को एक्स से रिप्लेस करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना था। ठीक है, तो हमारे पास अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन कई बार तो खुद आ जाती है, यानी कि खुद इसका 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, डेट इज़ लॉन्ग क्वेश्चन आपका 4.5 का आता है तो 4.5 में आएगा, 6 का अगर आप ऑनर्स का तो 6 का आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एज अ प्रूफ आ जाता है एग्ज़ाम के अंदर, और अगर ये नहीं भी आता तो एक तो एग्जाम्पल्स हैं इसके ऊपर बेस्ड वो आ जाएंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये इस एक्सरसाइज के अंदर ये टॉपिक, तो इसे आपने अच्छे से करना है, इजी है, कहीं पर भी डिफ़िकल्ट नहीं था, तो एक बार देख लेना है इसको। ठीक है, अब हम इसके बाद चलते हैं, इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल, चलिए देख लेते हैं उसके स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है, शो डेट बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स रेज टू द पावर एम माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एम प्लस एन डी एक्स, वेयर एम और एन ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसके अंदर हम सबसे पहले लगाएंगे अपना यही बीटा फंक्शन वाला जो अभी आपने प्रूव किया रिजल्ट उसी को ही। ठीक है, पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे आप एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर तो पता नहीं है ना उन्हें प्रीवियस रिजल्ट कौन सा है, फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए प्रीवियस रिजल्ट लिख रही हूँ, सो डैट आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या लिखा मैंने यहाँ पर कि आपके पास बीटा ऑफ एम एन की वैल्यू अभी हमने जस्ट प्रूव करके दिखाई है कि ये आएगी, इसी इंटीग्रेशन को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, कैसे लिमिट्स ज़ीरो टू इन्फिनिटी है, सबसे पहले ज़ीरो टू वन में ब्रेक किया और उसके बाद वन टू इन्फिनिटी के अंदर अंदर वाले इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद आई वन की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है,
आई वन, ये देखो ये चीज़ एज इट इज़ और ये चीज़ हमने आई वन मान लिया क्योंकि इसकी वैल्यू तो हम निकाल लेंगे, बट ये इन्फिनिटी वाला है तो इसको हमने एक बार और सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पर इस पूरे को हमने आई वन माना और इसके अंदर एक्स की वैल्यू हम सब्सिट्यूट करें 1/t। अगर हम एक्स की वैल्यू 1/t सब्सिट्यूट करें तो आपके पास डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/t² dt, ठीक है। अब लिमिट्स निकालो, देखो जब एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 से इन्फिनिटी और हमें टी की निकालनी है, जब एक्स की वैल्यू 1 आएगी पुट करो x=1/t के अंदर, तो टी की वैल्यू भी क्या आएगी 1, जब एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी टी क्या है 1/x, तो एक्स की वैल्यू टी टेंस टू ज़ीरो पर जाएगा, ठीक है। जब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है तो टी टेंस टू ज़ीरो होगा। अब हमने आई वन के अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ से सब्सिट्यूट कर दी, देखो एक्स को 1/t इस तरीके से 1+x था, तो जहाँ जहाँ पे एक्स है उसको 1/d और डी एक्स की वैल्यू एज इट इज़, लिमिट्स भी हमने चेंज कर दी 1 to 0। अब हमें पता है कि अगर हम इसको थोड़ा सा पहले तो इसको थोड़ा सा और सिंपलर फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए, ठीक है। इसी चीज़ को एक बार लिमिट्स एज इट इज़ रहने दो, उसके बाद लिमिट्स भी हम चेंज कर देंगे। जब आप इसका एलसीएम वगैरह लेके देखोगे ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा, t^(n-1)/(1+t)^(m+n), क्योंकि ऊपर वाले टर्म का नीचे से डिनोमिनेटर क्या आ रहा है t^(m-1) और इसका क्या आ रहा है t^(m+1), तो ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है तो ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, डेट इज़ t^(m+n) ऊपर, माइनस में ये चीज़, ठीक है। और 2t ये भी है, ये भी ऊपर जाकर माइनस में ही होंगे, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट करके क्या आ रहा है t^(n-1)। इस तरीके से हमारे पास आया, ऐसे ही 1+t देख लेना, यहाँ पर नीचे एलसीएम लोगे उसके बाद 1+t क्या आ जाएगी m+n और यहाँ पर आ जाएगा -dt। अब देखो लिमिट्स किस तरीके से होती है, कम से ज़्यादा तो 0 to 1 जब करेंगे लिमिट्स तो एक माइनस का साइन आ जाएगा और एक माइनस का, ये ऐसे ही अगेन हमारे पास प्लस का बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से होगा, बहुत ध्यान से देखना मैंने इसके अंदर क्या किया है, पहले तो इसकी लिमिट्स रिवर्स और एक माइनस ऑलरेडी था और उसके बाद मैंने पूरे के अंदर टी को एक्स से रिप्लेस कर दिया, वेरिएबल हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपके पास वैल्यू आई किसकी आई, इसकी पूरे की वैल्यू इसके इक्वल आ गई, ठीक है, इसकी पूरे की वैल्यू आपके पास इसके इक्वल आ गई। तो एक बार मैं आपको दोबारा अगर लिख के बताऊँ तो आपके पास क्या आ रहा है, दोबारा आपके पास आ रही है ये चीज़, β(mn) की वैल्यू दिस प्लस दिस थी, सेकेंड वाली टर्म को हमने क्या माना था आई वन, ठीक है, सेकेंड वाले टर्म को हमने आई वन माना था और इस आई वन की वैल्यू हमने निकाल के दिखा दी कि ये आ रही, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर हमारे पास ये आ रही है तो देखो दिस प्लस दिस क्या चला जाएगा, लिमिट्स दोनों की सेम है 0 to 1, x^(n-1)+x^(n-1)+x^(m+n dx) ये आ जाएगा आपके पास आंसर। और चेक भी कर सकते हैं, आपको इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव भी यही करके दिखाना था कि β(mn) की वैल्यू आपके पास ये आएगी। तो ये आपके पास आ गई वैल्यू, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि β(mn) की वैल्यू हमने ये निकाल दी है और हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूव भी यही करके दिखाना था, तो हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर सॉल्व। चलिए तो आज की वीडियो के अंदर टॉपिक इतना ही था, इसके बाद आपको सारे एग्जांपल्स और जितने भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं आपको खुद ट्राई करने हैं, जिस भी एग्जांपल या एक्सरसाइज के क्वेश्चन के अंदर आपको दिक्कत आए वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स के अंदर, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी शेयर कर सकते हैं, सो दैट नेक्स्ट वीडियो के अंदर पहले आपके डाउट्स क्लियर हो तभी उसके बाद नेक्स्ट जो गामा फंक्शन है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। अगर आपको वीडियो का कंटेंट यूजफुल लगा तो इसे अपने क्लास ग्रुप्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।